नमस्कार, अपने स्मार्टफोन में बॉस ऐप इंस्टॉल करने के लिए बधाइयां। इस वीडियो में हम आपके बॉस ऐप अकाउंट रिचार्ज करने के तरीके दिखाएंगे। रिचार्ज करने से पहले हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि बॉस ऐप में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी सबसे आधुनिक और सिक्योर है और आपके हर ट्रांजैक्शन और हर रुपये को बॉस ऐप सुरक्षित रखता है। बॉस ऐप पर हर रिचार्ज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से की जाती है। ऑनलाइन रिचार्ज से आप इंस्टेंट बेनिफिट, सुरक्षित और इंस्टेंट ट्रांजैक्शन के फायदे उठा सकते हैं। रिचार्ज करने के लिए पहले अपने बॉस ऐप खोलें और होम पेज में यहाँ नीचे एड मनी या पैसा जोड़े का ऑप्शन पर क्लिक करें। स्क्रीन में रिचार्ज करने की अमाउंट को एंटर करें। आपको रिचार्ज करने के चार तरीके दिखाई देंगे। एक, UPI, दो, NEFT, IMPS या RTGS, तीन, डेबिट कार्ड और चार, नेट बैंकिंग। पहले हम UPI से रिचार्ज करने के स्टेप्स देखेंगे। UPI बैंकिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करें। स्क्रीन में तीन वॉलेट्स, गूगल पे, पेटीएम और ओला कैब्स की ऑप्शंस दिख जाएगी, जिसमें से आप एक वॉलेट को चुनना होगा। हम इस बार गूगल पे से रिचार्ज करेंगे। गूगल पे को चुनिए। जैसे ही गूगल पे ओपन होगी, आपका गूगल पे का पिन एंटर करें। अब प्रोसीड टू पे पर क्लिक करें और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का मैसेज दिखेगा। ट्रांजैक्शन पूरा होने पर आपका नया बैलेंस ऐप के होम स्क्रीन में दिखाई देगा। इंटरनेट बैंकिंग से रिचार्ज करने के स्टेप्स देखेंगे। इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करें। बॉस ऐप पर अब आपको बैंक की लिस्ट दिखाई देगी। आप इसमें से अपना बैंक चुनें। और पे सिक्योरली क्लिक करें। आपके बैंक द्वारा दिया गया नेट बैंकिंग यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करें और ट्रांजैक्शन पूरा करें। ट्रांजैक्शन पूरा होने पर आपका नया बैलेंस ऐप के होम स्क्रीन में दिखाई देगा। आपके डेबिट कार्ड या ATM कार्ड से आपका डेबिट कार्ड यूज करके बॉस ऐप रिचार्ज करने के लिए पहले आप डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनें। इस पेज पर अब आप आपके डेबिट कार्ड नंबर, नाम, एक्सपायरी डेट के डिटेल्स भरें और पे सिक्योरली पर क्लिक करें। आपके बैंक द्वारा भेजे गए OTP को एंटर करने पर आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आपका नया बैलेंस ऐप के होम पेज में दिखाया जाएगा। इंटरनेट ट्रांसफर या नेट बैंकिंग से बॉस अकाउंट का रिचार्ज करने का स्टेप्स देखते हैं। एड पे के ऑप्शन में हमारा वर्चुअल अकाउंट नंबर, IFSC कोड और अकाउंट नेम जो आपने नोट किया था उसे एंटर करें। पे ऐड होने पर आप इस अकाउंट को NEFT, IMPS या RTGS से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और प्रोसेस होने पर नया बैलेंस आपके बॉस ऐप के होम पेज में दिखाई देगा। हम सुझाव देते हैं कि पहले एक छोटा अमाउंट ट्रांसफर करें ताकि आप चेक कर सकते हैं कि अपने पे ठीक से ऐड किया है कि नहीं। सक्सेसफुल टेस्ट ट्रांजैक्शन के बाद आप किसी भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। नया बैलेंस आपके बॉस ऐप के होम पेज में दिखाई देगा। आप इस बैलेंस को बॉस ऐप की किसी भी सर्विस में यूज कर सकते हैं। हमारे सर्विसेज के बारे में जानने के लिए बॉस ऐप के अन्य वीडियोस देखें। धन्यवाद।